पीड़ित उच्चाधिकारियों से कर रहा न्याय की गुहार। थाना अध्यक्ष गोंधियारा से पीड़ित आदमी न्याय की गुहार कर रहे हैं। इनके मदद की बजाय जब इस थाने में एसओ कुमार सिंह क्षेत्रीय लोगों के साथ बहुत ज्यादा जाति कर रहे हैं। इनसे पूरे क्षेत्र से पीड़ित है, बस कोई भी बात हो तो ये थाने ले जाकर मारेंगे। गरीब असहाय लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको राजेश सोनकर की इस खास रिपोर्ट में। मैं कमला शंकर पांडे एडवोकेट, ग्राम बेलसारा, थाना कौंधियारा, जनपद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं तीन भाई हूँ। मैं स्वयं जनपद न्यायालय में भी व्यवसाय करता हूँ तथा मेरा दूसरा भाई जनपद न्यायालय भदोही में पोस्ट है। सबसे छोटा भाई शिवम पांडे घर पर रहकर खेती बाड़ी और समाज सेवा का कार्य करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन तथा जिले में नियुक्त तमाम उच्चाधिकारियों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा थाना अध्यक्ष कौंधियारा उमेश कुमार सिंह से की जाए। उमेश कुमार सिंह किसी के इशारे पर मेरे छोटे भाई शिवम पांडे की हत्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा छोटा भाई निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है और कौंधियारा वार्ड 66 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है। इसलिए गांव क्षेत्र के कोई भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं सीधे शिवम पांडे के पास पहुंच जाते हैं और शिवम पांडे उनकी आवाज़ को बड़े अधिकारियों तक थाने तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यथासंभव अपने पैसे से किसी भी तरह के पीड़ित की मदद करते रहते हैं, इसलिए लोग उनका विश्वास करते हैं। दिनांक 23/8/2020 ईस्वी को मैं गांव गया था। उसी दौरान कोई ब्राह्मण हैं सज्जन, मैं तो नहीं पहचान सका। वो आए और छोटे भाई से कहने लगे, शिवम भैया, मेरे घर का कोई सदस्य थाने पर प्रार्थना पत्र देने गया था जिसे थानाध्यक्ष ने बैठा लिया और घर का कोई दूसरा सदस्य मिलने गया तो उसको भी बैठा लिए हैं। बात सुनने में अटपटी लगी। मैंने स्वयं कहा कि शिवम, थाने जाकर थानाध्यक्ष से निवेदन कर लो, ये कार्य गलत है। मेरे कहने पर छोटा भाई थाने गया और थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो प्रार्थना पत्र देने आया है तो उसको बैठा लेना, कहाँ का न्याय है। बस इतनी सी बात पर थाना अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ लहजे में कहा कि जमुना पार के ब्राह्मण बड़े मादरचोद हैं, अगर मैं कुछ दिन यहाँ रह गया तो इनकी जनेऊ खूंटी में टंगवा दूंगा। क्योंकि छोटा भाई नए उम्र का है, उसने कहा कि जनेऊ से जो भी टकराया है तो उसका नुकसान हो गया है, इसलिए आप जो है जनेऊ और जात विशेष को गाली मत दीजिए। परंतु थाना अध्यक्ष ने इसी बात को लेकर उसको माँ बहन की तत्काल गाली दिया और कहा कि तत्काल थाना छोड़कर चले जाओ। वो सीधे घर आ गया, मुझसे कहा, भैया आज तो बड़ी बेइज्जती की है थाना अध्यक्ष ने, इसे इस तरह से गाली दिया, जाति का नाम लेकर गाली दिया। हमने कहा, जाने दो, वो थाना अध्यक्ष हैं, उनको कुछ भी शोभा देता है, तुम उनके मुंह मत लगो। छोटा भाई अपने काम में व्यस्त हो गया। दिनांक 25/8/2020 ईस्वी को मेरे परिवार के जटाशंकर पांडे हैं, उनसे कौंधियारा गांव के अनिल कुमार भारतीया से कुछ विवाद हुआ। अनिल कुमार भारतीया थाने पर प्रार्थना पत्र देने गया जटाशंकर के विरुद्ध। थाना अध्यक्ष ने पूछा, ये जटाशंकर कौन है? अनिल कुमार ने बताया कि जो शिवम भैया हैं बेलसारा वाले, उन्हीं के परिवार से हैं।
थाना अध्यक्ष ने कहा ठीक है तुम्हारी प्रार्थना FIR में दर्ज करवा दूंगा, लेकिन इसमें सीएम पांडे का भी नाम बढ़ा दो। लेकिन अनिल कुमार भारतीया तैयार नहीं हुआ, कहा नहीं सीएम भैया बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने समय समय पर हम लोगों की बड़ी मदद किया है, बीमारी हो या अन्य कोई समस्या हो अपने पैसे से वो हम लोगों की मदद करते हैं। यही नहीं कई ऐसे गरीब व्यक्तियों के दाह संस्कार में स्वयं पैसा देकर कफन तक का पैसा देते हैं, किसी की 13वीं हो कोई सामाजिक कार्य हो सब में सीएम भैया आगे रहते हैं, हम उनके खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र नहीं देंगे। इस बात से नाराज होकर के थाना अध्यक्ष ने उस व्यक्ति को रबड़ के फट्टे से 200 फट्टे मारा। मारने के बाद जबरदस्ती भय में डाल करके दबाव बस उसको माँ बहन की गाली देते हुए कि साले मादरचोद पासी मेरा कहना नहीं मानोगे, इस पर जो है तुम्हारे खिलाफ जबरदस्ती मुकदमा ठोंस दूंगा। तो इस भय से वह लड़का जो है सीओ के खिलाफ प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष के दबाव में दिया और प्रार्थना पत्र लेकर के अपनी व्यक्तिगत खुन्नस बस थाना अध्यक्ष ने पुलिस भेज करके मेरे घर से रात 11:30 बजे के करीब मेरे भाई को घर से उठवा लिया और वहां ले जा करके थाने पर लॉकअप में बंद किया। मारना पीटना माँ बहन की गाली देना नाना प्रकार से प्रताड़ित करने लगा, मेरे भाई की मोबाइल छीन कर रख लिया। किसी तरह से वहां रात कटी, सुबह मुझे किसी के द्वारा सूचना मिली, मैं भी भाग कर गया। मैं थाने के बाहर बैठा रहा क्योंकि थाना अध्यक्ष के द्वारा सम्मान पर चोट पहुंचाई गई थी, इसलिए मैं थाने के अंदर नहीं गया। मेरे परिवार के चाचा हैं जो ग्राम प्रधान हैं, प्रधान जी वहां गए, तमाम और क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे सीएम की गिरफ्तारी की बात सुनकर, जिस पर अनिल कुमार भारतीया ने लिखित रूप से सुलहनामा दिया और सबके सामने ये बात कहा कि थाना अध्यक्ष ने स्वयं प्रार्थना पत्र लिखवाया था और सीएम भैया का नाम अपने से उसने लिखवाया था, मैंने सीएम भैया के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। जब अनिल कुमार भारतीया ने सुलहनामा दे दिया तो उसको सबके सामने थाना अध्यक्ष ने बाल पकड़ करके पटक करके मारा। मारने के बाद इतने पर भी उनका मन नहीं भरा तो मेरे भाई सीएम पांडे के खिलाफ और अनिल कुमार जो प्रार्थना पत्र दिया था उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई करके चालान किया और कौंधियारा थाने से कौंधियारा अस्पताल तक 1 किलोमीटर कौंधियारा ब्लॉक और बाजार होते हुए पैदल लेके गए। थाना अध्यक्ष बीच बीच में जहां जनता की भीड़ देखता था वहां सीएम पांडे को जो है माँ बहन की गाली देता था और बेइज्जत करता था, उसकी साख को बट्टा लगा रहा था। मेरा भाई बार बार आरजू मिन्नत करता रहा। किसी ढंग से SDM करछना के यहाँ से जमानत प्राप्त हुई, लेकिन मेरा परिवार आज भी भयभीत है। बार बार थाना अध्यक्ष कौंधियारा धमकी दिलवा रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है, परिवार की साख एकदम दांव पर लगी हुई है। मैं यहाँ पर तैनात उच्चाधिकारियों से माने मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा किया जाए। अगर ब्राह्मण होना कोई कसूर है तो वो कसूर मैंने किया है, हम लोग ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण परिवार से हैं। माने मुख्यमंत्री जी थाना अध्यक्ष कौंधियारा के विरुद्ध कार्यवाही करने का हम आग्रह करते हैं और मेरे भाई की हत्या भी हो सकती है। थाना अध्यक्ष कौंधियारा उमेश कुमार सिंह मेरे भाई की हत्या करवा सकते हैं। यदि मेरे भाई की हत्या हुई या उसे किसी प्रकार से कोई करोच आया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी थाना अध्यक्ष कौंधियारा की होगी। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार की रक्षा की जाए। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार भारतीया। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमारा जटाशंकर की कुछ रास्ते में बातचीत हुई थी तो हमने सीधा चले गए थाने। थाने चले गए आप? चले गए।
थाने गए तो उनसे साहब से मिले, उसने बोला ठीक है आ रहा हूँ, तो बोले नाम बोले तो मैं बोला जटा शंकर पाड़े हैं, शिवम भाई भाई हैं बड़े वाले लड़के हैं। उसने शिवम का नाम सुनते ही शिवम को उनको पीछे कर दिया, शिवम को आगे ले लिया जटा शंकर को सब पीछे कर दिया। फिर उसमें ले गए, रात में बुलाए शिवम पाड़े को भी, गाड़ी भेजे बोले जाओ शिवम पाड़े, मतलब कि एसओ साहब शिवम पाड़े को बुलाए हैं, बुलाए जा रहे। नाम दूसरे का था, नाम उनका था जटा शंकर का था। अब उनका शिवम पाड़े बुलवाए, चार सिपाही भेज के शिवम पाड़े किसको तवेरा थी उससे भेज के रात में बुलवाए, उनको बुलवाए पूछताछ हुई, उनके सामने भी बोले सर ये व्यक्ति नहीं है शिवम पाड़े, आप बोले क्यों नहीं है शिवम पाड़े, नहीं है इनके बड़े भाई है जटा शंकर पाड़े, लेकिन फिर भी इनको रात भर बैठाया गया, बोले इनको इनको पहले बैठाइए, इनको बहुत माँ बहन किए, ऐसा क्यों रात में किया। बहुत समय बोला सर इनकी गलती कुछ नहीं है, उनके बड़े भाई की थोड़ी बहुत गलती है, हमारी उनकी थोड़ी बहुत वहाँ से, लेकिन उनके मत लीजिए, लेकिन फिर भी उनको पहले ले। आपको मारे पीटे भी हैं? जी हमको दरोगा साहब बहुत मारे हैं, काफी गलत से मारे हैं सर पे, मारे होंगे यहाँ भी, चुतरे भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, बहुत जगह मारे। फिर इनका जबरदस्ती नाम बुलवाए, बोलो शिवम पाड़े बोलो। तो सुबह क्या समझौता हुआ? सुबह हमने समझौता करवाया, समझौता हुआ, उसमें सब कुछ चलान का नाम है साइन सुलह हो गया। उसके बावजूद, सुलह होने के बावजूद उसने बुलवा के मुझे फिर से मारा कि उसका नाम लो, उसका नाम लो शिवम पाड़े। तो फिर मारा, फिर से मैं बोला भाई मार पड़ रही थी, गलत से रबड़ से मार पड़ रही थी, क्या करेंगे। तो गाली जब सब जैसा शिवम पाड़े से भी गाली गुप्ता किए हैं, हाँ सब सारी बातें हो रही थी। फिर उसने वो थाने पे आपका वीडियो क्लिप बनवाए थे, जबरदस्ती मार के बनवाए थे कि उसका उनका नाम लो। हाँ नहीं ले रहे थे इनका कि इनका बड़ा भाई है और जटा शंकर पाड़े, लेकिन शिवम पाड़े का नाम, मतलब जबरदस्ती आपको मार को बोल रहे थे कि उनका नाम लो। मार के बोले शिवम पाड़े का नाम पहले लो, उनका नाम फिर दलवाए। फिर उनको भी फिर सुबह बुलवाया गया, फिर तीनों आदमी चलान भी दे दिए। फिर वहाँ थाना कौंधियारा से लेकर ब्लॉक तक लेकर अस्पताल तक, कौंधियारा थाने से अस्पताल तक 1 किलोमीटर अस्पताल बैठने की दूरी है, दो दो फिर मिलर लगी थी पीछे, लेकिन बैठाए नहीं, पैदल ले गए, पैदल बोले पैदल चलो अस्पताल, मेडिकल हो जाएगी तब वहाँ से फिर तुम जाना, फोर व्हीलर से जाओगे किससे जाओगे, बोले शिवम भैया दो दो फोर व्हीलर आई थी बोलो जाने के लिए, लेकिन नहीं पैदल भेजो वहाँ, फिर वहाँ से फिर डॉक्टर करवा के तहसील 2 किलोमीटर पैदल जाना है।